अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज मैं चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जो ये लेक्चर 2 है असल में लेक्चर 1 का ही पार्ट है और ये एक छोटा सा लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी ये देखें, हमारे पास है हन, HEN, इसे हमने हैन नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है हन हन, ठीक है। ये इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे HEN हन, और इसका जो मतलब है वो है वेरी, यानी बहुत, ठीक है, बहुत वेरी। तो अभी तक हमने देखा था कि हम जब किसी को कहते थे हाउ आर यू, तो हम कैसे कहते थे, नी हाओ मा, तो उसका जवाब था वा हाओ आई एम गुड। लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूं कि जी मैं बहुत अच्छा हूं, यानी मेरा मूड बहुत अच्छा है और खुशगवार है, तो मैं कैसे कहूंगा, मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम वेरी गुड। तो जो हन है हम इसको वेरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं हम इसको कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। तो हमारे पास है जी वा हाओ, यानी आई एम गुड, तो इसको हम स्टार्ट में यूज करेंगे, अब उसके मिड में यूज करेंगे या लास्ट पे। तो जैसा कि जुमले से जाहिर हो रहा है कि वा आई एम वेरी गुड, यानी वेरी दरमियान में आ रहा है, तो इसके अंदर भी हम दरमियान में यूज करेंगे। तो जुमला कैसे बन जाएगा, वा हन हाओ आई एम वेरी गुड। आई एम गुड कहना हो तो वा हाओ, लेकिन अगर कहना चाहते आई एम वेरी गुड, यानी मैं बहुत अच्छा हूं, तो वा हन हाओ, हन को दरमियान में लगा देंगे। हन किस लिए यूज होगा, बहुत के लिए, वेरी के लिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे नी हाओ मा, तो आप कहेंगे हाओ, यानी उसका मतलब है हाओ आर यू, तो आप जवाब देंगे वा हन हाओ आई एम वेरी गुड, ठीक है, या आप कहेंगे वा हाओ आई एम गुड, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास नी न, नी न, ये इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है, नी न, इसका मतलब है एंड यू और आप, ठीक है। ये हम कब यूज करेंगे, ये पूरी फ्रेज है। आप कहेंगे जी नी हमने पहले देखा था, उसका मतलब था तुम, और ये न का मतलब और होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पूरा फ्रेज है, ठीक है, ये इकट्ठा है, इस इकट्ठे का मतलब है एंड यू और आप। ये हम कब यूज करते हैं, जैसा कि हमें भी कहता है जी आप कैसे हैं, तो हम जवाब में कहते हैं जी मैं ठीक हूं, और आप सुनाए, और आप कैसे हैं। हम पूरा वर्ड नहीं, पूरी लाइन नहीं बोलते आप और आप कैसे हैं, हम बस इतना कह देते हैं और आप, मैं ठीक हूं और आप, ठीक है। तो नी ना मतलब एंड यू, आई एम गुड एंड यू, ठीक है। इसलिए तो हमसे जी क्वेश्चन हुआ जी नी हाओ मा, हाउ आर यू, तो जवाब आया वा हाओ आई एम गुड या वा हन हाओ आई एम वेरी गुड, ठीक है। अब जब नी ना आ गया, तो अब हम कैसे कहेंगे, वा हन हाओ नी ना, ठीक है, आई एम वेरी गुड एंड यू, मैं बहुत अच्छा हूं और आप, ठीक है, यानी आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया और आप कैसे हैं, और आप में क्या छुपा हुआ है, और आप कैसे हैं। तो आप कहेंगे जी इसके लास्ट पे जी सवालिया निशान नहीं लगाया, तो बजाहिर ये देखने में क्वेश्चन है, क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नी न ये क्वेश्चन नहीं है, अगर ये क्वेश्चन होता तो हम इसके लास्ट पे मा भी लगाते, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं है। चाइनीज के अंदर क्वेश्चन के लास्ट में मा आता है, लेकिन ये इसका लहजा जो है वो क्वेश्चन वाला है, असल में क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम ना इंग्लिश में देखें क्वेश्चन मार्क लगाया है, और ना चाइनीज में हमने मा लगाया है, जो कि क्वेश्चन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कैसे पूछेंगे, वा हन हाओ, मैं बहुत अच्छा हूं, नी ना और आप, ठीक है। ये था हमारे पास नी ना, नी ना का मतलब है एंड यू और आप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जी ये, वाई ई ये, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, और इसका मतलब है आल्सो, बी, ठीक है, आल्सो ये, जिस हम छोटी को कहते हैं ना ये छोटी, ये हमजा, ये उर्दू के अंदर ये, या हम कहते दिस का मतलब जिस तरह होता है ये, तो इसी तरह हमने इसको प्रोनाउंस करना है, इसको बोलना है ये, ठीक है, इसका मतलब है आल्सो। देखिए जी, एक बंदा कहता है जी हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हम कहते हैं जी मैं ठीक हूं और आप, तो वो कहता है मैं भी ठीक हूं, समझ आ रही है। जब वो दूसरा बंदा कहेगा, वो कैसे कहेगा, मैं भी ठीक हूं, यानी वो बी लगाएगा, तो बी की चाइनीज क्या है, आल्सो की ये। फर्स्ट पर्सन ने कहा नी हाओ मा, हाउ आर यू, सेकंड ने कहा वाहन हाओ नी ना, मैं बहुत अच्छा हूं और आप, तो फर्स्ट कैसे कहेगा, वा ये हन हाओ, वा ये हन हाओ, मैं भी बहुत अच्छा हूं,
ठीक है, आई एम ऑल्सो वेरी गुड. वा ये हन हाओ, आई एम ऑल्सो वेरी गुड. वा ये हन हाओ, आई एम ऑल्सो वेरी गुड. वा ये हन हाओ, आई एम ऑल्सो वेरी गुड. तो हम इसको रिपीट करते हैं. हमारे पास था जी हन, पहले हम बोलते थे वा हाओ, मैं आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा, मैं अच्छा हूं, लेकिन हन कर दिया, हन मीन वेरी. तो कैसे बोलेंगे अब, वाहन हाओ, वाहन हाओ, वाहन हाओ, हन हन, आई एम वेरी गुड. उसके बाद था जी नी ना, अगर हमने अगले बंदे से पूछना है और आप एंड यू, तो हम कैसे कहेंगे, वाहन हाओ नी ना, नी ना, नी ना, नी ना, वाहन हाओ नी ना, आई एम वेरी गुड एंड यू. ओके, उसके बाद है जी ये किस लिए हम यूज करते थे, जब हम कहना चाहते हैं मैं भी ठीक हूं, मैं भी, ठीक है, इसके लिए हम ये. तो कैसे कहेंगे, वा ये हन हाओ, आई एम ऑल्सो वेरी गुड. वा ये हन हाओ, वा ये हन हाओ, वा ये हन हाओ, आई एम ऑल्सो वेरी गुड. ठीक है दोस्तों, ये था एक छोटा सा लेक्चर जो कि फर्स्ट लेक्चर का ही एक पार्ट था. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा.